बेटे आज के टॉपिक पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, इसको ध्यान देना बेटे आप लोग। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, जो 12th की बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, प्लस जेई के अंदर भी आता है। अगर एओडी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखें तो मैक्सिमा मिनिमा ही टॉपिक होता है, जो सारे बच्चों को ध्यान देना है इसके अंदर। तो सभी लोग ध्यान देंगे इसके अंदर। मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक टॉपिक बता रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान रखना बेटे। ये इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आज कि बेसिक कंसेप्ट क्या क्या होता है, ये ध्यान रखना बेटे। देखो ये कि मैक्सिमम का मतलब देखो क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है बेटे। देखो ये मैक्सिमम का मतलब कि कोई भी फंक्शन दे रखा है वाई स्क्वायर टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है, दिस इज द फंक्शन दे रखा है बेटे। ये फंक्शन दे रखा है कोई अब है, और इंटरवल देखो दे रखा है, ये इंटरवल दे रखा है बेटे। आई यहाँ पर इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इंटरवल, इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज द पॉइंट, पॉइंट ए ले लिया हमने। तो मैक्सिमम हम क्या कब बोलेंगे बेटे, देखो ध्यान से। आपको पता है कि यहाँ पर इनफिनाइट पॉइंट होगा, इनफिनाइट पॉइंट होगा इसके अंदर। पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इनफिनाइट पॉइंट होगा। तो जब हमारा देखो एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, देखो ये एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ बताओ, एफ एक्स लिखा हुआ है। तो इस केस में हम पॉइंट ए को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। देखो ध्यान से, देयर फोर एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जहां बेटे एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। यानी आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल, नॉट फॉर इंटीजर, इट्स इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर कोई सा भी पॉइंट लेते हो बेटे आप, कोई सा भी पॉइंट आप इसके अंदर, कोई सा भी पॉइंट लेते हैं आप इसके अंदर, इस इंटरवल यहां से लेकर यहां तक इंटरवल दे रखा हमें, इसके अंदर कोई सा भी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पर कोई भी वैल्यू डालोगे ना, एफ ऑफ ए क्या आ रहा है, उससे ग्रेटर आ रहा है। देखो f of a हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। वी कैन से दैट f of a इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। सो इंटरवल के अंदर क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान देना आपको। ये तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर f of a इज मैक्सिमम वैल्यू हो गया बेटे। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया इन गिवन इंटरवल, इन गिवन इंटरवल i, इन गिवन इंटरवल आई, आई फोर इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, ध्यान देना आपको। इस इंटरवल के अंदर हम देख रहे हैं कि इनफिनाइट पॉइंट हो सकता है, बहुत सारी पॉइंट हो सकता है, आप कोई सा भी पॉइंट डाल रहे हैं ना, एक्स के एक्स की वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे, बट एफ ऑफ ए क्या आ रहा है, सबसे ग्रेटेस्ट आ रहा है, इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और पॉइंट ए जो होगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं, इसी को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। और आपको ऐसे ही पता है कि किसी भी फंक्शन में जहां पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू आता है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, और जहां पर सबसे लोएस्ट आएगा उसको मिनिमम वैल्यू बोलते हैं हम लोग, तो इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। बाकी कैसे इसको अप्रोच यूज करना है वो अप्रोच मैं बताऊंगा बेटे। तो मैं कुछ एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ये ध्यान देना है हमें। तो एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, और सभी बच्चे नोट कर लें एक बार कि इसके एग्जांपल से मैं क्लियर कर रहा हूँ बेटे, तो नोट कर लो एक बार। तो जैसे कि बेटे बताया मैंने कि देखो यहाँ पर फंक्शन दे रखा हमें वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दे रखा हमें, एंड दिस इज द इंटरवल, दिस इज द गिवन इंटरवल, और ए हमारा बिलोंग्स टू आई है, ये कहीं भी पॉइंट हो सकता है इस इंटरवल के अंदर, कहीं भी पॉइंट। आई फॉर नॉट इंटीजर, आई फॉर इंटरवल दे रखा है बेटे, यहाँ पर इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज अ गिवन इंटरवल, ये कहीं भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये। इस इंटरवल में एक पॉइंट लिया आपने, और इस पॉइंट के अंदर आप देखिए ध्यान से बेटे कि एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल। आप इस इंटरवल के अंदर कोई सा भी पॉइंट लेते हो ना, तो वैल्यू डालने के बाद एफ ऑफ ए सबसे छोटी वैल्यू है, एफ ऑफ ए आप देख रहे हो सबसे छोटी वैल्यू बन रहा है, सबसे छोटी वैल्यू बन रहा है, देखो यहाँ पर ये सबसे छोटी वैल्यू बन रहा है। तो देयर फोर हम बोल सकते हैं कि देयर फोर एक्स स्क्वायर टू ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड एफ ऑफ ए इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू बोलेंगे आप लोग, इसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे बेटे, ध्यान देना आपको। काफी बेसिक कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लो, इसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे हम लोग, और दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। यानी इसके अंदर कोई सा भी पॉइंट लेते हैं ना इंटरवल के अंदर, उस इंटरवल के पॉइंट अगर हम फंक्शन में डालते हैं तो हमेशा एफ ऑफ ए से बड़ा आएगा, एफ ऑफ ए से हमेशा बड़ा आएगा। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सा है, एफ ऑफ ए है, दिस इज द कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं इसको।
तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ बेटे, ठीक है? एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा मैं। तो जैसे कि बेटे पता है आपको कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया होता है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना आप लोगों को कि अगर देखो ध्यान से बेटे, ये कि अगर हम बात करते हैं, देखो आपने टेंथ में पढ़ा होगा कि y is equal to ax square bx plus c, this is called quadratic polynomial, इसको quadratic polynomial बोलते हैं। ग्राफ इसका देखो क्या होता है, ग्राफ अपवर्ड होता है जब a जीरो से बड़ा होता है। इस केस में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मिनिमम एग्जिस्ट करता है इस केस में। और जब a जीरो से छोटा होता है तो ग्राफ इसका देखिए कैसा बनता है, इसकी ग्राफ नीचे की तरफ बनता है बेटे, दिस इज एक्स एक्सिस, ग्राफ नीचे की तरफ बनता ही है। इस केस में मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है इस केस में। तो मैं अभी एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ कि ये टेंथ क्लास की कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए, कि जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा हो हमें, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑलवेज रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल चैतन्य बता रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा आपको, तो अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में इस केस में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, और जब ए नेगेटिव दे रखा हो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ग्राफ नीचे की तरफ होगा, ये ध्यान देना आपको। तो मैं इस एग्जांपल को क्लियर कर रहा हूँ, इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। तो ये साथ साथ नोट कर सकते हो बेटे आप लोग, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट को हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट में कौन सी केस बन रहा है, देखिए आगे माइनस लगा हुआ है, आगे माइनस लगा हुआ है, यानी ये कंफर्म है कि ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा, ग्राफ जो बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा इसका। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए साथ साथ बेटे, किसी को डाउट है तो, ये मेरे ख्याल से लोग नोट कर चुके होंगे, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखना बेटे कि कभी भी अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू ये प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर और बी दे रखा है, अगर ये ऐसे दे रखा है, अगर इस केस में तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू बी होगा एट, इसके जीरो से इक्वेट कर देंगे इसको, ये एक्स इक्वल टू माइनस प्लस ए के ऊपर डिपेंड करता है, इस पॉइंट के ऊपर। जब भी फंक्शन ऐसे दिया हो बेटे तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बी होगा, और कौन सी पॉइंट पे होगा, यहां जीरो से इक्वेट करके पॉइंट आता है, इस पॉइंट के ऊपर होगा। और कभी भी ये स्पेशल ट्रिक है, ध्यान रखना आप लोगों को। और एक ट्रिक है बेटे देखो, अगर ऐसे दे रखा हो, आगे माइनस लगा हो और प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी लिखा हो, ये प्लस माइनस लिख लीजिए, तो दिस इज प्लस माइनस, यहां भी इस केस में देखो जब माइनस लगा है यहां पर तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, यहां पर मैक्सिमम एग्जिस्ट होगा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका वो प्लस माइनस बी होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस प्लस ए के ऊपर, और इस केस में मिनिमम एग्जिस्ट होगा, ये ध्यान देना है। ये एग्जांपल से क्लियर होगा बेटे कि जो फर्स्ट टाइप जो दे रखा है, फर्स्ट टाइप में हमेशा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और सेकेंड टाइप में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, जब भी ऐसे केस दिया हो तो। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ नोट भी कीजिए आप लोग, इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए। तो मैं अभी ये क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है? जो भी डाउट है मैं अभी डिस्कस कर देता हूं, पहले क्वेश्चन फर्स्ट में बता दो बेटे, फिर आपको डाउट बताता हूं मैं। तो आप देख सकते हो बेटे कि एग्जाम्पल फर्स्ट की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट, ये फर्स्ट जो है कौन सी केस बन रहा है, आगे माइनस साइन लगा हुआ है, देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, सेकेंड केस लाई कर रहा है बेटे, सेकेंड केस लाई कर रहा है इसमें, तो सेकेंड के अंदर लाई कर रहा है, देयर फॉर्म क्या बोलेंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम एग्जिस्ट होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, फाइव होगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइव होगा, और कौन सी पॉइंट पे होगा, तो टू पे होगा, बिना कोई डिफरेंशिएशन का, बिना कोई इंटीग्रेशन का, कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर रहा है। ये आपके एनसीईआरटी के शुरू में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 6.5 निकालोगे ना, तो शुरू के क्वेश्चंस में कोई डिफरेंशिएशन यूज नहीं करना है, ना ही कोई इंटीग्रेशन यूज करना, हमें डायरेक्ट बताना है कि मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट बताना होता है, इस केस में ध्यान देना बेटे। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देखिए फर्स्ट की बात कर रहे हैं यहां पर, तो एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है,
एग्जाम्पल फर्स्ट देखा बेटे, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव। इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो फाइव होगा एट एक्स इक्वल टू टू पर। ये डायरेक्ट बस लिखना ही है, आपकी वन मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन वन मार्क के आते हैं, ये ध्यान देना ही है। क्यों होगा, तो मैंने जैसे कि बताया कि आगे माइनस साइन लगा हुआ है, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, इसलिए ऐसा होगा ये। तो किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। और आप इसमें देखिए आगे यहां प्लस का है बेटा, ये प्लस का है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए सेकंड के अंदर मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा कितना आएगा, माइनस टेन एट एक्स इक्वल टू किसका होगा, माइनस थ्री के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देगा बेटा ये। तो आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है। जब एनसीईआरटी खोलोगे बेटे आप लोग 6.5, तो आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें डायरेक्ट बताना होता है, हमें ये ध्यान देना है हमें। तो मैं चाहूंगा कि ये अलग क्वेश्चन बताइए एक बार कि कैसे होगा ये थर्ड पार्ट, एक बार बेटे खुद से ट्राई कीजिए आप लोग। तो बेटे इस क्वेश्चन देखिए आंसर, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने जा रहा है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा। जैसे कि देखो थर्ड पार्ट, ये थ्री कॉमन निकाल लीजिए, थ्री कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एट बाई थ्री ऐसे लिख दिया हमने इसको ऐसे लिख दिया हमने। अब इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहा हूं मैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर देखिए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन और माइनस वन लिख दिया, ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने जा रहे हैं बेटे, इसको ध्यान देना। तो कितना आएगा देखिए यहाँ पर, थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज फाइव बाई थ्री, तो ब्रैकेट खोल दिया हमने तो दिस इज फाइव आ गया। तो अब आप देखिए ध्यान से बेटे कि कौन सी केस बन रहा है, आप खुद ही बता सकते हो। देखो कि यहाँ पर कॉफिशियंट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड। देयरफॉर यहां लिखेंगे बताओ, एफ एक्स हैज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड मिनिमम वैल्यू जो होगा वो बेटे फाइव होगा, आंसर मिनिमम वैल्यू फाइव होगा, ये ध्यान रखना। ये तो ऐसे अप्रोच लगाना इन क्वेश्चनों में, ऐसे ध्यान देना आपको कि ऐसे क्वेश्चंस करना होगा हम लोग को, ठीक है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं आगे बता रहा हूँ बेटे कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में, कि मॉडुलस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन का, क्योंकि जैसे आप एक्सरसाइज खोलोगे तो उसमें मॉडुलस का भी क्वेश्चन आएगा और ट्रिगो का भी आएगा, जिसमें विदाउट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यूज नहीं करना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है बेटे, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट लिखना होता है, इसलिए ध्यान देना आपको। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ एक बार, ये मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा और सब नोट भी कर चुके होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटे, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, ये तो आसान ही है। तो ध्यान देना बेटे कि अब बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन का, कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो मैक्सिमम मिनिमम ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन दे रखा हो आपको, आपको पता है बेटे कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की ग्राफ ऐसे बनता है, ये मॉड एक्स की ग्राफ होता है बेटे, देखो ये मॉड एक्स की ग्राफ होता है ये ऐसे, और इसकी रेंज जो होता है, रेंज होता है जीरो से लेकर इन्फिनिटी होता है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होता है, मिनिमम जीरो होता है, और जब एफ एक्स इक्वल टू माइनस लगा हो आगे तो इसका ऐसे होगा बेटे, ये ऐसे ग्राफ होता है, इसकी रेंज जो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो होता है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू जीरो होता है बेटे, ये इस केस में ध्यान देना है बिल्कुल, इसको ध्यान देना बेटे कि इस केस में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है और इस केस में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, इसमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जीरो हो गया और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है ये। तो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कि तो ये ध्यान रखना बेटे कि अगर आगे प्लस का हो तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और आगे माइनस लगा हो तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना आपको। तो मैं एक दो क्वेश्चन से क्लियर कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है, ये ध्यान देना है बेटे आप लोग को। तो
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, एक एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना बेटे आप लोग को बिल्कुल कि कैसे करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सबका नोट हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग कि इसके मैक्सिमम निकालने का। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा हमें कि फाइंड मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फर्स्ट माइनस का x माइनस वन प्लस फाइव एंड सेकेंड लिखा है बेटे x प्लस टू माइनस सेवन लिखा हुआ है। तो इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान देना। तो अगर ये नोट हो गया होगा तो ये सबको नोट हो गया होगा। अगर नोट नहीं किए थे आप लोग वीडियो वॉच कर सकते हो, वीडियो जो मैं बना रहा हूँ साथ साथ वीडियो भी बन रहा है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना ताकि कम से कम बच्चे देखें और उनको फायदा हो बेटे। कोई भी बच्चा मैथ गुरु को सपोर्ट नहीं कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में और कमेंट करने में। तो देखिए ध्यान से बेटे क्वेश्चन को कैसे करना है। आप और जो फर्स्ट जैसे दे रखा हमने कि ये माइनस लिखा हुआ है, देखो बेटे ये माइनस, तो फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस वन प्लस फाइव लिखा है। तो बाहर में माइनस लगा हुआ है, इस केस में देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, फाइव होगा एट एक्स इज इक्वल टू वन पर, इस पॉइंट पर होगा बेटे। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, फाइव, और किस पॉइंट पर होगा, तो वन पे होगा। ग्राफ की बात करते हैं, इसकी ग्राफ, ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं इसका। ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा इसका कि ग्राफ जो बनेगा बेटे देखो x इज इक्वल टू वन, तो नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा ऐसे, ये वन कॉमा जीरो पर, और इसमें फाइव ऐड हो रहा है, फाइव ऐड हो रहा है तो ग्राफ पांच यूनिट ऊपर उठ जाएगा, यानी इसका एक्चुअल ग्राफ ऐसे बनेगा देखो वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये ध्यान रखना ये कि ये ग्राफ जो बनेगा इसका फाइव यूनिट ऊपर उठा देंगे, ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका, ऐसा ग्राफ आएगा। इस केस में देखो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, फाइव होगा, और किस पॉइंट पर होगा, तो वन पर होगा, वन कॉमा जीरो पर, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। एक्चुअल ग्राफ ये बन रहा है बेटे, देखो ये एक्चुअल ग्राफ है इसका, ये एक्चुअल ग्राफ ये है, ये ध्यान रखना ये दिस इज द एक्चुअल ग्राफ, और ये पॉइंट वन कॉमा फाइव हो गया, यानी मैक्सिमम वैल्यू इज फाइव एट एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, वन होगा। तो बाकी देखो इसको बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, जो बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वन मार्क्स के आते हैं, ज्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे, वन मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट यूज करना होगा आप लोगों को। तो इसको नोट कर लीजिए बेटे, सेकेंड लॉ में बता रहा हूं। तो सेकेंड पार्ट देखो आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, जैसे कि दिख रहा है बेटे कि इसमें देखो ये आगे क्या लगा है, प्लस का लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस में क्या होगा, इस केस में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, इसकी क्या मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, माइनस सेवन एट एक्स इक्वल टू माइनस टू पर होगा बेटे, ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है? ग्राफ इसकी प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, बस ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने, ग्राफ इसकी हम प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो ये ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, देखो कि पहले तो हमने ग्राफ बना दिया माइनस टू पर, ये ग्राफ बन गया किसका, एक्स प्लस टू का ग्राफ है ये, माइनस टू कॉमा जीरो पर, और जब इसमें सेवन प्लस हो रहा है, ये माइनस सेवन लिखा हुआ है तो नीचे सेवन यूनिट नीचे आ जाएगा, तो ये ग्राफ आपका ये बेटे यहाँ पर आ जाएगा, ये ग्राफ ऐसा कुछ चलेगा, ये ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, ये माइनस टू कोमा माइनस सेवन होगा, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, माइनस सेवन एट एक्स इक्वल टू माइनस टू के लिए ये आंसर होगा बेटे, ये ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है? किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को भी। तो इसकी ग्राफ चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन बन रहा है, इसलिए ग्राफ मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस सेवन एट एक्स इक्वल टू माइनस टू होगा बेटे ये। तो मैं अब ट्रिगो फंक्शंस के लिए बता रहा हूँ कि ट्रिगो फंक्शंस में कैसे यूज करना होगा, क्योंकि एक ही क्लास में हम बहुत सी चीज नहीं बता सकते, या तो ट्रिगो फंक्शंस का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसमें एक और एग्जांपल देखो ध्यान से बेटे ये, कि अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स क्यू प्लस टू दे रखा है, इसका आप बताओ कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है इसके अंदर? तो एक्स क्यू प्लस वन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, कैसे निकालेंगे इसको ध्यान देना बेटे। देखो बेटे, जब भी ये ऑड पावर फंक्शन दिया हो ना, ऑड पावर तीन के लिए कंडीशंस होता है कि ये ध्यान रखना है। देखो कि एक्स क्यूब की ग्राफ कैसे होता है, एक्स क्यूब की जो ग्राफ होता है ना, ऐसे ग्राफ होता है एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। इस केस में देखो क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा इसका कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नॉट एग्जिस्ट होगा, ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना ही है। इस केस में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। बाकी ट्रिगो फंक्शंस की क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटे। तो इस तरह बेटे क्लास में, आज की क्लास में मैक्सिमम मिनिमा का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया कि मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, कैसे डायरेक्ट फाइंड करना होता है ये, और इसके अगले सीरीज में इसके बारे में और सारे कंसेप्ट बताएंगे। उसके बाद कैलकुलस में कैसे अप्लाई करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करना होता है, ये डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, थैंक यू।